आपको बताऊंगी नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स का बारे में। नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स क्या है, ये कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की ज़रूरत है। नर्सिंग असिस्टेंट नर्स और डॉक्टर को हेल्प करता है मरीजों को ठीक करने के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है मरीजों को ठीक करने के लिए और इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए मरीजों को हेल्प करता है। नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए आपको ANM, GNM, BSc, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहिए और करने वाला लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये सब डिग्री नहीं है, नर्सिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहेगा तो भी ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। जर्मनी में दिन नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट का ज़रूरत बढ़ते ही जा रहा है। जर्मनी में नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं बताती हूँ आपको। नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए आपको ANM, GNM, BSc, पोस्ट BSc तो करना ही है, इसके साथ जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना है। जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है जर्मनी में जॉब करने के लिए। जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है जॉब करने के लिए। अब जर्मनी में क्यों जाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स करके लिए, क्या क्या सुविधा है जर्मनी में। जर्मन गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आप हायर एजुकेशन फ्री है, आप अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो आप फ्री में कर सकते हैं जर्मनी में। आपके पास अगर जर्मन वीज़ा रहा तो आप 28 यूरोपियन कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। ईयरली 1 मंथ का लीव आपको मिल सकता है सैलरी के साथ। अब जर्मन जाने के बाद 4 से 6 महीने के बाद आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी का पे स्केल सबसे हाई है, तो ये सब रीज़न के कारण आप जर्मनी में नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स का बारे में आप विस्तारित रूप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का वीडियो को देखते रहिए।